हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा T900 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। तो गाइस, ये वॉच काफ़ी कम प्राइस रेंज में आपको देखने मिलती है, ये आपको सिर्फ 600 रुपीज़ में देखने मिलती है और इससे भी कम प्राइस में आगे जाके देखने मिलेगी, क्योंकि ये अभी नवी लॉन्च हुई है इसलिए इसका प्राइस ज़्यादा है। आपको इसमें कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, कॉलिंग कर सकते हो, व्हाट्सअप चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम आप देख सकते हो। मैं आपको बता दूंगा आपके सब फीचर्स कैसे देखने हैं। तो आप इस वॉच को परचेस कर सकते हो मीशो से, अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से। तो आपको ये वॉच में पीछे ऐसा लिख के आता है वॉच ऐप और यहाँ T900 अल्ट्रा वॉच देखने मिल जाती है। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको सबसे पहले तो इसका मैनुअल देखने मिल जाता है जिसमें इसका पूरा गाइड है, पर मैं आपको सब बता दूंगा, वॉच के बारे में इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको यहाँ ऑरेंज बेल्ट मिलती है, आप इसको तीन कलर्स में मंगा सकते हो, ग्रे, ऑरेंज और ब्लैक। तो ये तीन कलर्स आते हैं और तो आप देख सकते हो कि T900 अल्ट्रा वॉच में इसका चार्जर आपको अलग देखने मिलता है। इसके चार्जर में आपको थोड़ा बड़ा देखने मिलता है पहली वाली वॉच से और काफ़ी फास्ट है ये। T900 अल्ट्रा वॉच का बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपको वॉच दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ देखने मिलती है वॉच। तो गाइस, T900 अल्ट्रा में आपको 2.9 इंच का डिस्प्ले देखने मिलता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले स्मार्ट वॉच में। तो आप देखोगे तो इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। आपको यहाँ स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं जो कि वर्किंग है। मैंने इस पर प्लेलिस्ट भी बनाई है, प्लीज़ मेरा चैनल विजिट करना, आपको वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने सब बताया कि आप सॉन्ग्स कैसे प्ले कर सकते हो। हर एक वीडियो मैंने डिटेल में बनाई है। फिर यहाँ आपको माइक्रोफोन देखने मिल जाता है वॉच की ये साइड, और यहाँ से आपको देखने मिलता है हार्ट रेट सेंसर। तो यहाँ आपको हार्ट रेट सेंसर देखने मिलता है। वॉच में पूरी एक्सरसाइज एक्यूरेटली काउंट होती है। अब मैं आपको वॉच को ऑन करके दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं इसे बेड लगा लूँगा। तो अब मैं आपको वॉच ऑन करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ सबसे पहले एक अर्थ का लोगो देखने मिलता है वॉच में, और यहाँ आपको पहला ही जो वॉलपेपर मिलता है वो अल्ट्रा का मिलता है। वॉच का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो ये काफ़ी अच्छी लगती है, और इसमें नाइट मोड भी आपको अल्ट्रा का ऑफिशियल वॉच फेस देखने मिल जाता है। फिर यहाँ से आप वॉच फेस चेंज कर सकते हो, इसमें आप कई सारे वॉच फेस डाउनलोड कर सकते हो। इसमें इनबिल्ट 4 से 5 वॉच फेस आते हैं और इसमें नवे हेलोवीन के भी वॉच फेसेस आए इसके ऐप्स में। और यहाँ से आप स्वाइप करोगे तो आपको कोई बार मिल जाता है इधर, यहाँ से आपको मैसेजेस देखने मिलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो कि फ़ोन में ब्लूटूथ ऑन है, म्यूज़िक ऑन कर सकते हो, टॉर्च ऑन कर सकते हो, यहाँ फ्लाइट मोड है, DND डो नॉट डिस्टर्ब मोड भी है इसमें। फिर अगर मैंने यहाँ से स्वाइप किया तो आपको क्राउन वर्किंग देखने मिलता है वॉच में। फिर अगर आपने क्राउन को एक बार क्लिक किया तो इसमें मेन्यू स्टाइल खुल जाता है, ये बिल्कुल एप्पल वॉच जैसा और काफ़ी अच्छा मेन्यू स्टाइल है। और अगर आपने क्राउन को 2 बार क्लिक किया तो मेन्यू स्टाइल चेंज हो जाता है, तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के मेन्यू स्टाइल देखने मिल जाते हैं वॉच में। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स है वॉच में, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें टोटल 6 मेन्यू स्टाइल है। तो ये 4th मेन्यू स्टाइल है, ये 5th मेन्यू स्टाइल है और ये लास्ट मेन्यू स्टाइल। तो आपको ऐसे ही पूरे मेन्यू स्टाइल देखने मिल जाते हैं, आप यहाँ से भी मेन्यू स्टाइल चेंज कर सकते हो। मैं आपको मेन सेटिंग्स बता देता हूँ। तो आपको जाना है वॉच की सेटिंग्स में, आपको सेटिंग्स में सबसे ऊपर यहाँ देखने मिलता है साइड की का ऑप्शन जो कि एक्शन की है। एक्शन बटन में आप रनिंग, एक्सरसाइज, बास्केटबॉल, कोई भी जो भी आप गेम खेलते हो एक्शन बटन से आप ऑन कर सकते हो। तो आप साइड बटन को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साइड बटन को चेंज करने का। फिर यहाँ से आप स्क्रीन का टाइम आउट चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकते हो, और यहाँ आपको मिल जाता है स्क्रीन आप यहाँ 3 मिनट तक ऑन रख सकते हो। मीन्स अगर वॉच को आपने ऐसा रख दिया तो वॉच का डिस्प्ले 3 मिनट तक ऑन रहता है। ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, यूजुअली सारी वॉचेज में सिर्फ 1 मिनट तक ही ऑन रहता है, पर इसमें 3 मिनट तक रहता है। इसमें आपको SOS का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको कैलेंडर देखने मिलेगा, यहाँ से आप कॉलिंग कर सकते हो। व्हाट्सअप में आपको ऐप से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ व्हाट्सअप आप कैसे कनेक्ट करोगे। इसमें इंस्टाग्राम भी आपको देखने मिल जाता है, यहाँ से आप सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो वॉच में, कैलकुलेटर देखने मिलता है आपको वॉच में, यहाँ से आप गेम्स प्ले कर सकते हो। आप देखोगे तो इसमें गेम्स भी हैं वॉच में,
फिर यहाँ आपको हार्ट रेट सेंसर में एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ वॉच का हार्ट रेट सेंसर है, तो वॉच में स्टेप्स भी एक्यूरेट है। हार्ट रेट सेंसर से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो, हार्ट रेट सेंसर से हार्ट रेट चेक कर सकते हो वॉच के थ्रू, और वॉच में आपको फ़ोन के पूरे मैसेजेस भी मिल जाते हैं। तो अब मैं वॉच को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ इसके ऑफिशियल ऐप से। तो गाइज आप जैसे ही वॉच के बॉक्स पे देखोगे तो यहाँ आपको लिख के आएगा हाई वॉच प्रो ऐप, तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ सर्च करना है हाई वॉच प्रो ऐप के लिए। तो यहाँ आपको ऐप का आइकॉन कुछ ऐसा देखने मिलेगा, आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं इसको ओपन करूँगा। तो यहाँ से आपको सेट पे जाना है और सेट से आपको डिवाइस को फाइंड करना है। उसके लिए आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना पड़ता है वॉच से कनेक्ट करने के लिए। फिर यहाँ अब आप यहाँ से वॉच को फाइंड कर सकते हो। अब वॉच फाइंड होगी, यहाँ लिख के आएगा T900 Ultra। तो यहाँ से आपको T900 Ultra पे क्लिक करना है। फिर ये चारों ऑप्शन जब तक कनेक्ट नहीं होते तब तक वॉच कनेक्ट नहीं हो पाएगी। तो पहला दूसरा ऑप्शन कनेक्ट हो चुका है, वॉच पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। अब आप होम पेज पे देख सकते हो आपको स्टेप्स, कैलोरीज, हार्ट रेट, स्लीपिंग, ECG ये सब देखने मिल जाता है। फिर यहाँ से आप वॉच को फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आप वॉच को फाइंड कर सकते हो। तो वॉच फाइंड हो जाती है यहाँ से। फिर यहाँ से आपको राइज टू वेकअप डिस्प्ले नाम का एक फीचर मिलता है, जिसमें आप वॉच का बटन बिना दबाए वॉच का डिस्प्ले ऑन कर सकते हो। तो मैंने वॉच का डिस्प्ले ऑफ कर दिया, अब मैं बस वॉच का डिस्प्ले ऊपर लूंगा। बस आपको वॉच का डिस्प्ले ऐसे ऊपर लेना है, तो आप देखोगे तो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो चुका है बिना वॉच का बटन हाथ लगाए। तो ये फीचर का नाम है राइज टू वेकअप डिस्प्ले। इसमें आपको वॉच का बटन दबाना नहीं पड़ता है, डिस्प्ले खुद ही ऑन हो जाता है। जब आप वॉच वेयर करते हो तो ये फीचर काफ़ी काम में आता है। अलार्म आप ऐड कर सकते हो वॉच में, यहाँ सेटिंग रिमाइंडर ऐड कर सकते हो, यहाँ शूट मेथड में आप कैमरा ऑन कर सकते हो और वॉच के थ्रू फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ आप वॉच के थ्रू यहाँ से फोटोज क्लिक कर सकते हो। यहाँ काउंटडाउन आ रहा है 3, 2, 1 और यहाँ फोटो आप देख सकते हो तो क्लिक हो चुकी है। फिर यहाँ आपको मिलता है मैसेज पुश का फीचर। मैसेज पुश के फीचर में ही आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ये सब के मैसेजेस फ़ोन में गेट कर सकते हो। आप ये सब ऐप्स चला सकते हो, पर आपको ये फ़ोन के थ्रू करना पड़ता है। तो वॉच में ये सब फीचर्स आ जाते हैं। फिर आप यहाँ से कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, आपको बस ऊपर ऐड पे क्लिक करना है और यह नेम और नंबर आप डाल के ऐड कर सकते हो। और आप एक बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ वॉच में 10 कॉन्टैक्ट्स ही ऐड कर सकते हो। फिर मेन फीचर की बात करूँ तो डायल सेटिंग्स आ जाती है। तो डायल सेटिंग्स में आपको पूरे वॉलपेपर देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको हर टाइप का वॉच फेस देखने मिलता है डायल सेटिंग्स में। और इन्होंने अभी ऐप के अपडेट के बाद नए नए वॉच फेसेस ऐड भी किए हैं। तो मैं आपको एक वॉच फेस लगा के दिखा देता हूँ। तो मैं ये वाला वॉच फेस लगाऊंगा, तो आपको बस क्लिक करना है और गॉट इट पे क्लिक करना है, वॉच फेस अपलोड होना स्टार्ट होगा। और इस बीच में आपको वॉच को डिस्कनेक्ट नहीं होने देना, नहीं तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। तो वॉच फेस इंस्टॉल हो चुका है, अब आप देखोगे तो वॉच रीस्टार्ट होगी और वॉच फेस आप देख सकते हो तो यहाँ डाउनलोड हो चुका है। तो गाइस आप ऐसी कोई भी वॉच फेस लगा सकते हो वॉच में, और आप यहाँ से कस्टम वॉच फेस भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस ये थे पूरे फीचर T900 Ultra स्मार्टवॉच के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।